एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इट्स मी हिना मोहित, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ और हमको बीच में ला के ना तो और हम साहब बगैर बताए जंप लगाने लग जाते हैं। तो अभी गिरने लगा था बहुत बुरे तरीके से, ये देखें यहाँ से जंप करता है, इतने बुरे तरीके से गिरने लगा था, मुझे भी गिराने लगा था। सर पता है क्या होता है, मैं सारे काम निपटा के तो फिर मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ जल्दी से, फिर मुँह पे लगाती हूँ क्रीम और जल्दी से टिंट लगा के फटाफट स्कार्फ लेती हूँ और जल्दी से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ सारे काम निपटाने के बाद। तो मैंने सोचा आज जो है ना साथ साथ आप लोगों को दिखाऊं मैं क्या कर रही हूँ। और हम इधर से ये जंप करने लगा है, ये लड़का जंप करने लगा है, ऐसे मुझे भी गिराएगा खुद भी गिरेगा। बस ठीक है, मैंने नहीं पकड़ना, गिरोगे गिरोगे ना नो ना। तो और हम वीडियो नहीं बनाने दे रहा, तो मैंने सोचा आज क्या करते हैं, आज पहले जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि आधे से ज़्यादा मैंने काम कर लिए हैं, तो बाकी फिर मैंने सोचा कि बाकी काम जो है ना अभी किचन वगैरह समेटने वाला है, तो मैंने कहा चलो साथ साथ आपको दिखाती हूँ जी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, कमरा मैंने सेट कर लिया हुआ है और बाकी चीज़ें हम अपने टॉयज वगैरह बिखेरता रहता वो साथ साथ करते ही रहते हैं सेट। अभी मैं क्या कर रही थी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ना ये सारे मसाले की डिब्बियाँ जो है ना इनको फुल कर रही थी, गरम मसाला डाला है, दड़ा मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, चाय की पत्ती डाली है और ये जो है ना मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया इसको ड्राई रोस्ट करके इसको ग्राइंड करके ना तो इसका पाउडर बना के, तो अब ये मैंने खोल के रखा हुआ था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो अब मैं इसको भी रख देती हूँ यहाँ पर। मैं ना सारे घर का जो है ना कचरा समेट के ना तो बाहर लाजमी फेंकती हूँ डेली के डेली, क्योंकि मुझे कचरा पड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, इससे इकट्ठा हुआ और इधर ही पड़ा रहे ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ये भी यार हमने सारा गिराया हुआ, ये भी अभी समेटूँगी, ये मैंने कचरा सारा एक शॉपर में इकट्ठा किया हुआ ये फेंक के आऊँगी। और यहाँ पर मैंने निकाली हुई है बलाई, ये थोड़ी खुल जाए तो इसका मैंने आज निकालना है देसी घी। बहुत दिन हो गए हैं फेशियल भी नहीं लिया, फेशियल भी नहीं किया, तो स्किन काफ़ी ख़राब हुई हुई है, तो बहुत दिन मतलब एक मंथ होने वाला है मैंने फेशियल किया हुआ है। तो मैंने सोचा डेली मतलब डेली मैं टाइम निकालती हूँ चलो करती हूँ फेशियल। मसला क्या होता है कि दिन के टाइम मैं नहीं करती क्योंकि नाश्ता बनाना होता है, चूल्हे के आगे खड़े होना होता है, फेशियल का एक दिन का होता है ना कि चूल्हे के आगे नहीं जाना, फ़ायदा क्या फेशियल करने का। आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, तो और हम जो है ना काम उल्टे कर रहे हैं। अरे हम बेटा आ जाओ अंदर, मैं जा रही हूँ, मैं दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ, ये आंटी ने ना सुबह भर के रखा था पानी का, इस लड़के ने सारा गिरा दिया। मैं सफाई कर रही हूँ और अरहम की कट अंदर आ गई और अरहम साहब ने उसकी धूम पकड़ी हुई है। अरहम छोड़ दो बुरी बात, बुरी बात देखो उसका कितना बुरा हाल हो रहा है, इसको बाहर निकालना, बाहर ही नहीं जा रही। चलो फिर आ जाएगी जी। तो मैंने किचन भी समेट लिया है, कचरा भी फेंक गई और मोटा मोटा ऊपर से साफ कर लिया मैंने ना, कल बहुत अच्छे तरीके से सफाई की थी, तो वॉशरूम वगैरह भी धोए थे सारा। कल सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 8 बजे उठ के खाना भी बना लिया, फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह भी कर ली सारी, और हमको भी नहलाया था, सारे अच्छे से काम किए थे, तो जो है ना इसलिए आज जो है ना काम थोड़े थे, ऊपर ऊपर से मैंने गन समेट लिया और साफ ही है सारा घर। तो अभी मैं देसी घी रखने लगी ऊपर। तो अच्छा आज अरहम की पोइम सुनो, पोइम सुने, मेरा बेटा पोइम सुनाता है। सी सी बेबी लाइक द पीस, 1 2 3 ऑलमोस्ट ग्रीन यू सी, यस 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 सुनाओ। चल इधर से आओ, उधर से सही सही कैमरे से ना आ नहीं रहा। चलो अब बताओ। ओह मेरे बेटे ने शूजू पहन लिए थे, वाह जी वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ओ नीचे गिर गया था और हम तो अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कि ना रूटीन अच्छी सी बनाए कि सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, फिर जो है ना उस फिर जाना होता है 7 बजे नाश्ता बनाऊँ मैं, पापा और मोहित का नाश्ता बना के उनको भेजें, तो जो है ना ये बीच में आ जाता है मेरा बेटू और मेरा बिट्टू मुझे उठने नहीं देता,
नमाज भी नहीं पढ़ने देता, रोता है, इतना रोता है। तो कोशिश तो यही डेली मैं करती हूँ, उठूँ तो रूटीन चेंज करूँ। आज फिर भी ये जो है ना लेट उठे थे, मोहित और पापा लेट उठे थे, इन्होंने अलार्म भी लगाया हुआ था फिर भी लेट हो गए थे। तो शुक्र है आज मुझे इसने नाश्ता बनाने दिया है उनको। तो आज मैंने जल्दी जल्दी से उनको ना 7:30 बजे नाश्ता बना दिया था, नहीं तो मैं ना उठूँ तो मामा बना देती होती हैं। क्या बात है, खड़े नहीं हो ना आप, खोल नहीं रही वो बगैर बताए हम जंप ना किया करो बेटा, गिर जाओगे। वो और हम की गाड़ी, वो और हम की गाड़ी, ये देख। वाह, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, बेलाई इसको हल्की आंच पे रखेंगे और ये मैं फेंक दूंगी क्योंकि ये टूट गई है, मेरे से एक दफ़ा गिरी थी तो बाल्टी और भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। ज़्यादातर लोग तो जो है ना मलाई का मक्खन निकालते हैं पहले और फिर जो है ना देसी घी निकालते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता भाई, ऐसे मलाई को ऊपर रख देंगे और ये हल्की आँच पे खुद ही पक पक के जो है ना देसी घी निकल आएगा। तो अभी इसको बिल्कुल हल्की आँच पे रख दिया मैंने और जो है ना ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हल्की फ्लेम पे खुद ही बन जाएगा। यहाँ मैं जोहर की नमाज़ पढ़ रही थी तो जो है ना ये लड़का मेरे ऊपर आके तो ऐसे गिरा है, तो मेरे बेटे का सर लगा ज़मीन पे। तो मैंने अपने बेटे को दी है रोटी, मेरा बेटा रोटी बना रहा है। अब चुप हो गया, इतना रोया, इतना रोया मेरा बिट्टू, रो रो के आंसू आ गए थे, नोज़िया आ गई थी, है ना। अब मैं ये रोटी बन गई मेरे बेटे की, वाह। बच्चों के साथ नमाज पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये देखें रोटी मेरे बेटे ने बना ली है, ये देखें। अब ये देखें अरहम किधर है, अरहम बोल किसे आती है ला था, सीख सीख बेबी लाइक द बॉल्स, 1 2 3 All mocking you, see, yes, yes, yes. Num, num, num. I like it. Wow. ये हमने पोइम, मैं टूटी फूटी पोइम पढ़ लिया मेरे बेटे ने। यस, मेरे बेटे ने टूटी फूटी पोइम पढ़ लिया। जाके देसी घी भी देखें कहाँ तक पहुँचा देसी घी। ये देखें काफ़ी ज़्यादा पिघल गया है और मैं चम्मच के साथ साथ भी इसको थोड़ा सा निकालती हूँ ताकि जल्दी जो है ना बन जाए। जल्दी जल्दी से ये बना के फिर वीडियो एंड करनी है। अब यार हमने मुझे बाहर भी लेके जाना है, इसलिए मुझे तंग करना है, इसको मैंने सुलाना भी है। और हमको 1 2 आती है और हम काउंटिंग कर रहे हैं सारे। ये और हम के गले में से निकले हैं ये सारे, अरे टूट के आई, देखो तोड़ दिया ना आपने, आपने उठाया था फेंका था तो ये गल्ला हमने तोड़ दिया था। हो ये देखें फिर से कितने सारे पत्ते इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, ये फेंकने लगे हैं हम इधर, प्लास्टिक वाली चीज़ें इसके अंदर, ये ओ ये नहीं फेंकना, पैसे हैं ये पैसे, हम तोतों लेने जा रहे हैं तोतों पैसे। देखो कितने पत्ते इकट्ठे हो गए सारे, फिर अब टाइम निकाल के ना किसी दिन फिर से सफाई करेंगे, थोड़े और इकट्ठे हो लेने दो। बाहर से भी मैं दिखाती हूँ कितने सारे इकट्ठे हुए हुए हैं पत्ते। सी सी वाह, इतने पत्ते इकट्ठे हुए हुए हैं। ये ज़्यादा जो है ना गंद इन दरख्तों से गिरता है। हम ये पास वाले स्टोर में जा रहे हैं और हम के पॉपकॉर्न लेने के लिए, पॉपकॉर्न के लिए मकई लेने जा रहे हैं। पॉपकॉर्न तो हम घर में ही बनाते होते हैं। हम कैसे पोई पड़ता है जितनी आती है ना थोड़ी बहुत यूं करके ना फाड़ लेता सारी। चलाओ चले, गाड़ी आ रही थी इसलिए साइड पे हो गई, गाड़ी से बहुत डरता है। और हम मेरा बेटा किसी चीज़ से नहीं डरता सिवाय गाड़ी के, जिधर गाड़ी देख लेगा दौड़ लगा देगा। सी सी वाच, पॉपकॉर्न बहुत ज़रूरी है हमारे घर में क्योंकि दोपहर के टाइम जब ये सो के उठता है ना रोता है ना, जब इसके आगे पॉपकॉर्न का नाम लो चुप कर जाता है, फिर ये पॉपकॉर्न थोड़े खाता है साथ में हम भी खाते हैं। चीचो
चलो पॉपकॉर्न लेते हैं इधर से। तोतोन, ये है मेरे बेटे का तोतोन। बहुत तोतोन ले लिए और लॉलीपॉप ले लें। चलो बाय कर दो, बाय बाय चुचे, बाय शुरूस शुरूस हमलार शुरूस। और हम लॉलीपॉप खाने लगा। चलो घर चले, आ मेरा बेटा आ जाओ घर चले। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी से घर चले ना, वो हमारा घी ना ख़राब हो जाए। जल्दी जल्दी से चलो घर, चूल्हा भी नहीं ऐसा करके आए। आगे जो सर्दी आनी है उसमें कपड़े नहीं खुश्क होने करने, जितना मर्जी दिन रखो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फुल सर्दी में बर्फ़बारी में कपड़े धोना और सुखाना, हाँ तो जो है ना सुन्न हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। देखें हमारी मलाई कहाँ तक पहुँची है, अभी ये पिघलना बाकी है। ये देखें अभी यार हम कह रहे हैं जब तोतोन बना के दो, तो अभी यार हम क्या बनाते हैं पॉपकॉर्न दूसरे वाले पैन में। तोतोन तोतोन तोतोन, पकड़ो ना बना के दूँ तैत्यू तोतोन, तैत्यू तोतोन तोतोन, नम 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 नम। और ये आ गए थोड़े से पॉपकॉर्न, वाओ नम 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 नम। वेट कर ज़रा एक मिनट छोड़ो, ये जब पॉपकॉर्न बनवाता है ना कहता मुझे गोद में उठा लो, उसको मैं पहले गोद में उठा लूँ। अरम का क्या बन रहा है, अरम के तोतोन बन रहे हैं तोतो। नम मजे क्या लगते हैं आपको बताओ। और हम यहाँ पे खा रहे हैं तोतोन और मामा बना रही हैं देसी घी। ये तो नीचे लगने लग गया है, बाद में धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ये नीचे लग जाए ना। जल्दी जल्दी देसी घी बना के फाड़ी को होते हैं। ये देखिए जी देसी घी मैंने निकाल के साइड पे कर लिया है, बोतल में डाल रही है। तकरीबन हाफ लीटर है, मैंने इस कप से मैयर किया है, इस कप से मैयर करके तो फिर बता रही हूँ आपको, ये हाफ लीटर है बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो बाकी जो ये मिक्सर बचा है इसके अंदर डालेंगे चीनी, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा घी है तो ये अच्छा है सेहत के लिए। इसके अंदर चीनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको खाएंगे, बड़ा मज़े का लगता है। सो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा देसी घी हमारा हो गया है तैयार बिल्कुल, और मज़ीद वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करें शेयर करें, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना आप लोगों ने। तो मिलते हैं और ज़्यादा अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखें याद, अल्लाह हाफिज़।